हे गाइस, मैं अमित कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल हब स्टडी पॉइंट पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और यह सेशन अलजेब्रा पर 6 क्वेश्चन का है और ये 6 क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आए हुए सभी क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चनों की हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये गिवन है। तो फाइंड दी वैल्यू ए प्लस सी अपॉन बी, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, तो इसको आप इधर ले आएँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। तो अगर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 2ab होता तो ये माइनस बी का आप होल स्क्वायर बना सकते थे। तो ऐसे में हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या बनाएंगे, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ 2ab नहीं है। यहाँ 2ab होता तो फार्मूला बन सकता था। तो हम क्या करेंगे कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से भाग देंगे। तो 2 से जब हम भाग देंगे सभी टर्म्स में, ठीक है, इधर भी 2/2 कर लेंगे, 2 से भाग दिया, 2 से गुणा किया, ठीक है, या इधर ही रहने दें केवल। तो 2 से हमने गुणा किया और 2 से जब हम भाग दें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2a² यहाँ 2b² 2c², ये 2ab हो जाएगा, ये 2bc हो जाएगा और ये 2ca हो जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं ये क्या बन रहा है। तो ये आपका बन गया 1/2 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करके लिखेंगे, ए स्क्वायर को लिखेंगे 2 बार, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2a² होगा। वैसे ही बी स्क्वायर को लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसी तरह से c² प्लस c² इस तरह के क्वेश्चन आप देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व किया जाता है ताकि आप एग्जाम में क्विकली सॉल्व कर पाएँ। माइनस 2ca इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक ए स्क्वायर और ये जो 2ab है तो यहाँ पर और इसके साथ और एक ये, तो ए बी और 2ab इनको साथ में हम ले रहे हैं। तो देखो क्या बनता है ये आपका, तो 1/2 ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसको ले लिया माइनस 2ab, क्लियर गाइस। तो उसी तरह से अब एक इधर का ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और एक हम ले लेंगे सी ए, ठीक है, और जो रिमेनिंग बचा उसको हम लोग लिख लेंगे। बी सी वाले में हम क्या लेंगे, एक बी लेंगे और एक सी जो बचा हुआ है। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ठीक है। बाकी ये ऊपर वाले जो हमने टिक किए हैं उनको आप लिख लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यह एक फार्मूला बन रहा है, फार्मूला आप बेशक सा जानते हैं, यह किसका फार्मूला है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc। तो उसी तरह से ये भी आप देख पा रहे हैं, यह भी एक फार्मूला ही है किसका, b माइनस सी का होल स्क्वायर। उसी तरह से आप इसको भी देख पा रहे हैं, यह बन जा रहा है फार्मूला सी माइनस या ए माइनस लिख सकते हैं आप, होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर इक्वल टू 0 है तो 1/2 अगर हम उधर करें तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस तरह से हम ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं, तो हम सीधा क्या करेंगे, जब भी अगर ऐसा इक्वेशन बने तो सीधा तुलना करने पर अगर इक्वल टू 0 हो, तो a माइनस बी बराबर 0, तो a बराबर क्या आ गया, बी माइनस सी बराबर 0, बी माइनस सी बराबर 0, तो बी बराबर क्या बन गया, सी, क्लियर गाइस। और सी माइनस ए बराबर 0, तो सी बराबर क्या बन गया यहाँ पे, ए। अब वैल्यू जो आपसे पुटअप किया है, वह पूछा है आपसे कि ए प्लस सी अपॉन बी की वैल्यू क्या होगी। तो अब इनको सभी को एक ही टर्म्स में लिखना है, ए को ए ही रहने दीजिए, सी इज इक्वल टू कितना है, तो सी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, तो ए, तो हम सी के प्लेस पर हमने क्या रख दिया, ए, क्योंकि ए के इक्वल है, और बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो इस तरह से आगे आप क्या, 2a अपॉन a, a से कैंसिल हो गया, हमारा ऑप्शन मिल गया यहाँ पे, ऑप्शन हमारा
आंसर जो है दो होगा, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमारा बी वाला आंसर सही हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के आप अभ्यास अभी से बनाए रखें CGL 2022 के लिए। यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/a² - bc + 1/b² - ca + 1/c² - ab। यह जो है वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। यह भी CGL 2014 का मेंस का क्वेश्चन है। तो गिवन क्या है, गिवन है आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू जीरो, ये दिया हुआ है। अब जो पूछ रहा है पहले उसको एक बार लिख लें, तो 1/a² - bc + 1/b² - ca + 1/c² - ab, ये गिवन है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो माइनस बी सी है, ये जो माइनस सी ए है, और ये जो माइनस ए बी है, अगर हमको यहाँ पे वैल्यू पता चल जाए, हम रख दें, तो हम इसको थोड़ा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पे क्या गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अगर मैं उसको इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस बी सी, ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस बी सी, बाकी ये दोनों इधर ही रहेंगे, मतलब क्या रहेंगे, ए बी प्लस सी ए, समझ पा रहा है मेरी बात। उसी तरह से माइनस सी ए चाहिए तो उसको ट्रांसफ़र कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस सी ए, ये उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, बाकी ये दोनों इधर ही रहेंगे, मतलब ए बी और प्लस बी सी। उसी तरह से हम माइनस ए बी भी फाइंड कर लेंगे, ए बी को हम उस तरफ ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, और ये दोनों इसी तरफ बचेंगे, यानी बी सी और प्लस सी ए। अब यहाँ पर हम सभी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 1/a² - bc, माइनस बी सी की वैल्यू हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि माइनस बी सी की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे ए बी प्लस सी ए प्लस 1/b² + -ca, तो माइनस सी ए की वैल्यू है ए बी प्लस बी सी। अब ध्यान में रखें, यहाँ माइनस नहीं रखेंगे क्योंकि माइनस सी ए की वैल्यू ऑलरेडी हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, क्लियर। 1/c² + bc + ca। अब सभी में हम देख रहे हैं कि एक जो है एलिमेंट सब में कॉमन दिख रहा है, इसमें क्या कॉमन है, तो ए कॉमन हो गया, क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1/, इसमें हमने बी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, यहाँ बी बचा, यहाँ ए बचा, यहाँ सी बचा, यानी हम क्रम से लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1/, यहाँ पर हम देख रहे हैं सी कॉमन है, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, क्लियर। अब सभी टर्म्स में क्या आपको दिख रहा है कि 1/a + b + c सभी में कॉमन है, तो हमने सब में कॉमन ले लिया, 1/a + b + c कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 1/a, 1/b, 1/c। तो 1/a + bc, a + bc + c ये कॉमन ले लिया, तो 1/a, 1/b, 1/c। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी का ए बी सी एल सी एम हो जाएगा, तो यहाँ हो गया आपका बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 1/a + b + c मल्टीप्लाई बाई, इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी है 0, तो 0/a + b। अब 0 से किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या मिलने वाला है, 0। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आप मेरी समझ पाए, जहाँ ना आपको समझ में आए तो कमेंट करके आप ज़रूर हमको नोटिस करें। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से गिवन है कि 1/a² + ax + x² + तो सॉरी गाइज, यहाँ पे प्लस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए माइनस, यहाँ पे माइनस है। तो यह CGL 2014 का क्वेश्चन है, मेंस का। चलो क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू आपसे पूछा है कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1/a² + ax + x² - 1/
ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स अपॉन ए पे पावर फोर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर फोर, ये गिवन है, इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो चलें, तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि वन अपॉन इसको और इसको साथ में लेते हैं क्योंकि ये दोनों प्लस में है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमने साथ में लिखा और यहाँ पे प्लस ए एक्स है इसको साथ में लिखा, माइनस वन अपॉन ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसको साथ में लिखा और माइनस ए एक्स प्लस टू ए एक्स ये जैसे है वैसे रिमेनिंग ए पे पावर फोर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर फोर। अब इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम यही दोनों होंगे, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स कुछ इस तरह से, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, तो इन दोनों का ये एलसीएम हो गया। तो ये कटेगा तो ये बचेगा, यहाँ पे आ गया क्या आ गया, तो यहाँ पे आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस, ठीक है, इसको हमने ब्रैकेट ओपन करके लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कटेगा तो ये बचेगा आपका, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस ए एक्स, क्लियर गए, प्लस इसको जैसे है आप वैसे ही लिखते चल, ए पे पावर फोर ए स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर फोर। अब इस ब्रैकेट को ओपन करें, यहाँ पे ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस ए एक्स अपॉन। अब यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से है, ये समझ लो आपका ए है ये बी है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी फार्मूला आप जानते हैं कि अगर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर, क्लियर गाइस। तो हम लिखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर है, और ये जैसे है उसको आप वैसे ही लिखते चलें, टू ए एक्स अपॉन ए पे पावर फोर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर फोर। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और माइनस ए एक्स और माइनस एक्स ये जोड़ के हो गया कितने माइनस टू ए एक्स अपॉन। अब इसको सॉल्व कर लें तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए पे पावर फोर प्लस एक्स पे पावर फोर प्लस टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स अपॉन ए पे पावर फोर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर फोर। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो एक बार आपको और लिख के दिखा दे रहे हैं, तो माइनस टू ए एक्स माइनस टू ए एक्स ए पे पावर फोर। अब टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस हो गया तो क्या बचेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये जो बचा है प्लस एक्स पे पावर फोर प्लस टू ए एक्स अपॉन ए पे पावर फोर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर फोर। ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, बस एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो इस तरह से हमारा आंसर जीरो हो जाएगा, तो जीरो इज़ द करेक्ट आंसर, यानी हमारा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है गाइस। चले क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर फोर हमारा दिया है, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजक्वल टू सिक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजक्वल टू ट्वेंटी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यह भी क्वेश्चन अच्छा है, इस तरह से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गिवन क्या है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सिक्स, दूसरा दिया है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी, आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड की वैल्यू। अब फार्मूला अगर आप जानते हैं तो फार्मूला मैंने आपको बताया था कि इसकी फार्मूला क्या होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर गाइस, ये होता है फार्मूला। मतलब ये तो हमको मालूम है, ये भी मालूम है, लेकिन यही नहीं मालूम है तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं आसानी से क्योंकि वैल्यू आपको सभी पता है। तो ये जो दिया है इसी का कर लो वर्ग, इसका क्या करना है आपको वर्ग करना है, तो चलो वर्ग कर लेते हैं। तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सभी को पता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी एक्स वाई प्लस टू बी सी यानी वाई जेड प्लस टू जेड एक्स इक्वल टू छः का स्क्वायर कितना हो गया गाइस, 36 हो गया। और इसकी वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितना दिया है 20, तो यहाँ पे हमने क्या रख लिया 20, दो आप कॉमन ले सकते हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 36। तो ये हो गया दो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 36 में से 20 निकल गया गाइस, तो कितना बचा 16। अब दो से अगर हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो हमको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू मिल गई, यानी अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो गाइस यह क्या बनेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। चलो अब रखते हैं, तो इसकी वैल्यू पूछा है तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यानी 6, तो 6 रख दिया मल्टीप्लाई बाई दूसरे ब्रैकेट में इसकी वैल्यू 20 है, 20 रख दिया माइनस माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 8, 8 रख दिया। तो ये हो गया 8 में तो 12 इंटू 6 यानी 12 छः 72, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 72। तो 72 हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चल क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ इस तरह से दिया है कि ए स्क्वायर माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0 प्लस दूसरा दिया है ए एक्स माइनस बी स्क्वायर कुछ इस तरह से दिया हुआ है और पूछ रहा है कि x अपॉन ए प्लस एक्स वाई अपॉन बी प्लस वाई इस तरह से पूछा रहा है। तो इस तरह से हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन कर चुके हैं अगर आपको ध्यान में होगा, ठीक है, नहीं अगर ध्यान में है तो आप पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें इस तरह से क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, तो एक बार देखें। तो ए स्क्वायर माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0, ठीक है, दूसरा दिया है ए एक्स माइनस बी स्क्वायर प्लस सी जेड इक्वल टू 0 और तीसरा क्या दिया हुआ है कि ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये तीन इक्वेशन इस तरह से दिए हुए हैं और एक्स अपान ए प्लस एक्स इस तरह से आपकी वैल्यू पूछ रही है, ठीक है। तो ए प्लस एक्स अगर हमको इसकी वैल्यू पता चल जाए किसकी, ए प्लस एक्स की, बी प्लस वाई की, सी प्लस जेड की, तो हम इसको आसानी से कुछ कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो मैंने एक बार पहले भी बताया था, पहले इसको दोनों को ट्रांसफ़र कर लें, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी वाई प्लस सी जेड, दोनों को हमने पंचांतर किया तो ये दोनों माइनस है, उधर जाएंगे क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। अब हम दोनों तरफ क्या ऐड करेंगे, तो प्लस ए एक्स दोनों तरफ हमने ऐड कर लिया, क्या ऐड कर लिया प्लस ए एक्स, ए एक्स जब हम ऐड करेंगे इसमें तो इसमें क्या कॉमन हो जाएगा ए, तो ये क्या बनेगा ए प्लस एक्स बनेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी जेड। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कि ए एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, तो इसको आप इधर ले आएँ और इसको इधर ले आएँ, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई वन आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो इसको इधर ले आए तो बटे में चला जाएगा, ये आएगा तो इसके बटे में हो जाएगा, तो ए बटे ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी जेड इजक्वल टू क्या हो गया वन अपॉन ए प्लस एक्स। तो हमको वन अपॉन ए प्लस एक्स की वैल्यू मिल गया, ठीक है, और ऐसा नहीं लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, केवल ए प्लस एक्स की ही वैल्यू फाइंड कर लें। तो ए प्लस एक्स इजक्वल टू क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड अपॉन क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। अब वहाँ पे पुट कर दें तो ए प्लस एक्स हमने इससे निकाला, उसी तरह से इसमें देखो ए एक्स है सी जेड है, क्या गायब है इसमें, तो बी वाई गायब है, तो इसमें हम दोनों तरफ इसको पंचांतर करके क्या करेंगे बी वाई जोड़ देंगे, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आप तीसरा अपन इसे करें, तो ए एक्स प्लस सी जेड
बराबर बी स्क्वायर। तो अब इसमें हमको क्या ऐड करना है, तो हम यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं बी वाई, क्या ऐड कर दे रहे हैं बी वाई, दोनों तरफ हम यहाँ पे जोड़ दिया बी वाई, ठीक है। इसमें कॉमन क्या है, तो बी कॉमन है तो क्या हो जाएगा बी प्लस वाई, इधर सेम वही बनेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। अब बी प्लस वाई बराबर क्या मिल गया आपको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड अपॉन बी, क्लियर गाइस। उसी तरह से जब हम c प्लस वाई निकालेंगे, c प्लस जेड निकालेंगे, तो c प्लस जेड में क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड अपॉन c आ जाएगा, क्लियर गाइस। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पूछा था कि x अपॉन a प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन बी प्लस वाई प्लस जेड अपॉन सी प्लस जेड। तो a प्लस एक्स की वैल्यू उनको मालूम है, हम यहाँ पे रख देंगे, तो a प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। तो रख दिया हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड अपॉन, अपॉन में क्या है a, a कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आता रहे, किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने b प्लस वाई की वैल्यू रख दिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड अपॉन बी, प्लस यहाँ पे हमने रख दिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड अपॉन सी। अब ये सभी ऊपर हो गए, तो क्या आ गया, एलसीएम अगर देखें तो सबका सेम है, एलसीएम क्या है सबका सेम है, क्योंकि ये ऊपर आ जाएगा ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक बार लिख दे रहा हूँ, तो ए एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस बी वाई। हे गाइस, क्वेश्चन नंबर पाँचवा, मोबाइल स्विच ऑफ होने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए। चलो, तो क्वेश्चन नंबर पाँचवें में हम लास्ट में हम लोग थे कि x अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड अपॉन ए, ये था, प्लस y अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन बी, प्लस जेड अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, सी जेड अपॉन सी, क्लियर गाइस। तो ए कहाँ जाएगा, ऊपर, बी भी कहाँ जाएगा, ऊपर, और सी भी कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये इस तरह से ए ऊपर गया तो क्या हो गया, ए एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस बी वाई अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस सी जेड अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एलसीएम सब में क्या है, तो हर सभी के क्या हैं, इक्वल हैं। अब इक्वल हैं तो ऊपर वाले हम क्या जोड़ लेंगे, जोड़ लेंगे ऊपर वाले सभी जो अंश दिए हैं उनको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है, दोनों वही है, कट गया, कट के क्या आ गया वन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा गाइस, तो वन इज़ द करेक्ट आंसर, क्लियर गाइस। तो वन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर छः और इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन। तो ये बात आपको समझ में आ गई, क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया है कि यदि एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और इजक्ल टू एस, तो गिवन है, पहले उसको लिखते हैं, एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी इजक्ल टू एस, ब्रैकेट आप यहाँ पे ओपन कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तो एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी इजक्ल टू एस, एस से एक एस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया आपका टू एस इजक्ल टू, जो माइनस बी ए है माइनस बी है माइनस सी है, इसको आप उस तरह पंचांतर कर लें, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, क्लियर गाइस। ये बात आपको समझ में आ गई। चलें अब जो पूछा है उसकी तरफ हम बात करते हैं, लिखते हैं उसको क्या है कि एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एस माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस एस स्क्वायर अपॉन
अपॉन में गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो गाइज इसको ब्रैकेट को ओपन कर लें ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो फार्मूला होता है भाई एस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस टू ए एस प्लस एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी एस प्लस एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू सी एस और प्लस लास्ट में ये जो दिया है एस स्क्वायर अपॉन में जो दिया है उसको आप लिखते चलें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पर एस स्क्वायर कुल कितने हो गए, तो एक दो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक दो तीन और ये चार, तो एस स्क्वायर चार बार है जुड़ के कितना हो गया फोर एस स्क्वायर। क्लियर गाइज। अब जो बचा देखिए, अब माइनस टू ए एस इस वाले टर्म में यानी टू ए एस टू बी एस और टू सी एस में क्या कॉमन है, तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें टू एस कॉमन है, तो मैंने माइनस टू एस कॉमन ले लिया तो यहाँ ए बचेगा, यहाँ माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ सिंबल क्या लगाएंगे प्लस का बी और प्लस सी, और बाकी ये जो बचे हैं प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना, ये जो बचे हैं उनको हमने लिख दिया अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे हो गया आपका फोर एस स्क्वायर माइनस टू एस, अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ऑलरेडी हमको मालूम है कितनी है 2s, तो इस ए प्लस बी प्लस सी के प्लेस पे हमने लिख दिया क्या 2s प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो दो का गुणा हो गया कितना हो गया चार, और s का s में गुणा हो गया कितना हो गया फोर एस स्क्वायर, यानी ये पूरा क्या बन गया मल्टीप्लाई करने पर यह पूरा क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा फोर एस स्क्वायर, तो फोर एस स्क्वायर से फोर एस स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका, अब यहाँ पे बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर क्या बन गया गाइस, तो वन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ओके गाइस, तो ये रहा इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन बहुत दमदार हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेवल के हैं, और सभी क्वेश्चन सीजीएल मेंस के आए हुए क्वेश्चन हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि सीजीएल मेंस में इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करिए। केवल ये नहीं है कि केवल फार्मूला रख देने पर ही जो है आपका आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होता है और आपको दिमाग भी लगाना इसमें पड़ता है। ठीक है, तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।